चलिए आजकल लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आरंभ गुरु में आपका स्वागत है, आरंभ गुरु में आपका स्वागत है। और आज का जो लेक्चर है ज्योग्राफी से रहेगा, आज से मैं आपको ज्योग्राफी भी पढ़ाऊंगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारत का भौतिक विभाजन। भारत का भौतिक विभाजन, भारत का भौतिक विभाजन, इसमें आपको कई चीज़ें देखने को मिलेंगी। इनसे 100% क्वेश्चन है बीपीएससी में, यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में, बिहार एसआई में, यूपीएसआई में, हर जगह क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि भारत का एक मैप क्रिएट करते हैं, ठीक। भारत का एक मैप बनाते हैं, अगर अच्छा बन जाए तो तारीफ करिएगा, बेकार बन जाए तो कमेंट्स करिएगा। अप्रॉक्स में ये भारत की एक संरचना है, आपको दिख रही होगी। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि पूरा मैप शो हो रहा है कि नहीं। जी बिल्कुल हो रहा है। देखिए ये एक भारत का एक मैप है। ये क्या है, ये एक भारत का मैप है। ये भारत को हम लोग क्या नाम है, पांच भागों में विभाजित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, भारत को हम लोग पाँच भागों में विभाजित कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले बात, हम लोग भारत के मैप को समझने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि अक्षांश और देशांतर क्या होता है। यहाँ पर मैं एक ग्लोब बना देता हूँ, ठीक। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये ग्लोब पे जो लेटी हुई रेखा होती है, ठीक, जितनी भी लेटी हुई रेखा होती है उसको क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड बोलते हैं। लैटिट्यूड, लैटिट्यूड यानी हिंदी में क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा। क्या बोलते हैं, अक्षांश, अक्षांश, ठीक। और ऐसे ऐसे जो रेखाएँ होती हैं, ऐसे ऐसे जितनी भी रेखाएँ होती हैं उसको क्या बोलते हैं, देशांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, देशांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देशांतर होते हैं। खड़ी जो रेखा होती है उसे देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। अब देखिए अक्षांश और देशांतर, देशांतर, अक्षांश और देशांतर। अब देखिए सबसे पहली बात, क्वेश्चन पूछ लेता है ना कि भारत की अवस्थिति कहाँ है ग्लोब में। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि भारत की अवस्थिति भैया ग्लोब में बताइए, कि भारत ग्लोब में कहाँ अवस्थित है, ठीक। तो भारत ग्लोब में कहाँ है, अब ये देखिए, ये देखिए पहले ग्लोब पे तीन रेखाएं होती हैं, ग्लोब पे तीन रेखाएं होती हैं। एक होती है 23.5 डिग्री उत्तर में, कौन सी रेखा होती है, जो काल्पनिक रेखाएँ हैं जो समय और दूरी को निकालने के लिए और जलवायु को पता करने के लिए मानी गई हैं। ग्लोब पे बड़ी तीन रेखाएँ होती हैं जिनको फेमस रेखाएँ भी कहा जा सकता है, जो क्या नाम है, पृथ्वी के जलवायु का निर्धारण करती हैं। और इन्हीं के कर्क रेखा, मकर रेखा के बीच में क्या करता है, सूर्य ट्रेवल करता है, इसलिए इन तीनों रेखाओं को माना गया है, ठीक। एक होती है अक्षांश, एक होती है क्या, कर्क रेखा, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में, 23.5 डिग्री उत्तर में होती है कर्क रेखा। 0 डिग्री बीच में जो होती है उसको क्या कहते हैं, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, या इसी को क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, मध्य रेखा, इसको भूमध्य रेखा भी कह सकते हैं, क्योंकि ये बीचों को, पृथ्वी को बीचों बीच से दो भागों में काटती है, इसलिए भूमध्य रेखा। इसी को विषुवत रेखा भी कहा जाता है, इसी को 0 डिग्री भी कहा जाता है। 23.5 डिग्री साउथ में आएंगे, 23.5 डिग्री साउथ में आएंगे तो उसको क्या कहेंगे, मकर रेखा। क्या कहेंगे, मकर रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिण में आएंगे तो उसको क्या कहेंगे, मकर रेखा। अब क्वेश्चन पूछेगा कि भारत से कौन सी रेखा होकर गुजरती है, तो आप क्या बोलेंगे कि भारत से भैया कौन सी रेखा होकर गुजरती है, कर्क रेखा होकर गुजरती है। कौन सी रेखा होकर गुजरती है, कर्क रेखा। कौन सी रेखा, कर्क रेखा, भारत से कर्क रेखा होकर गुजरती है। कौन सी रेखा होकर गुजरती है, कर्क रेखा होकर गुजरती है। देखिए अब सबसे पहली बात, आप ग्लोब को समझिए कि ग्लोब पे तीन काल्पनिक रेखाएं हैं जिनके बीच सूर्य ट्रैवल करता है। आप देखिए जो सन है, जो सन की लाइट है, ये जो सन की लाइट है, ये कर्क रेखा से मकर रेखा और मकर रेखा से कर्क रेखा के बीच में ही ट्रैवल करती है, क्योंकि हमारा जो ग्लोब है वो क्या है, वो 66.5 डिग्री झुका हुआ है, वो 66.5 डिग्री झुका हुआ है, ऐसे झुका हुआ है 66.5 डिग्री। इसलिए जो जो सन की लाइट है ना, कर्क रेखा से मकर रेखा, मकर रेखा से कर्क रेखा के बीच में ही ट्रेवल करती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसे तीन काल्पनिक रेखाएं मानी गई हैं जिनके अनुसार जलवायु का निर्धारण होता है, मौसम का निर्धारण होता है, वनस्पति का निर्धारण होता है, इन सभी चीज़ों के कारण इनको क्या कहते हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा इसमें कि ग्लोब में भारत कहाँ अवस्थित है, तो क्या बोलेंगे, भारत ग्लोब में उत्तर पूर्व में अवस्थित है। कहाँ पर है, उत्तर पूर्व में, कहाँ पर। अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक छोटा सा बना लेता हूँ ग्लोब,
ठीक। तो यहाँ से बीचों बीच से एक रेखा को जा रही है उसको विषुवत रेखा या जीरो डिग्री कहते हैं, उत्तर में जा रही है उसको कर्क रेखा कहते हैं, दक्षिण में जा रही है मकर रेखा कहते हैं, और भारत यहाँ पे है। भारत कहाँ पे है? यहाँ पे है भारत, यहाँ पे है। तो ये कहाँ पे अवस्थित है? उत्तर पूर्व, क्योंकि दिशाओं को अभी ज्ञात होना चाहिए आपको। क्या होता है? इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है। इधर क्या होता है? नॉर्थ ईस्ट होता है, नॉर्थ ईस्ट। इधर क्या हो जाएगा? वेस्ट नॉर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेस्ट नॉर्थ हो जाएगा। इधर साउथ वेस्ट हो जाएगा, साउथ वेस्ट हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा? साउथ ईस्ट हो जाएगा। तो टोटल 8 दिशाएं होती हैं विज्ञान के अनुसार, यानी कि साइंस के अनुसार टोटल 8 दिशाएं होती हैं। वेदों के अनुसार पूछे तो 10 दिशाएं होती हैं। कितनी होती हैं? 10 दिशाएं होती हैं। जब आप ऋग्वेद वगैरह पढ़ेंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन सभी भी आपको पढ़ेंगे अगर अच्छे से, तो उनमें डीपली एक्सप्लेन किया हुआ है कि किसके अनुसार? वेदों के अनुसार 10 दिशाएं होती हैं, लेकिन साइंस के अनुसार, हमारे एग्जाम के अनुसार 8 ही दिशाएं होती हैं, 8 ही मान के चलिए। ठीक, तो उत्तर पूर्व में भारत अवस्थित है। पहले पहला ही क्वेश्चन बच जाएगा कि उत्तर पूर्व में भारत अवस्थित है। अब देखिए ग्लोब से क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। ठीक, हम लोग बहुत बार पढ़े हैं कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, आपको वीडियोस मिल जाएंगे। अब वो 8 राज्य आपको जानने हैं तो आप उसको पुराने वीडियोस को देखिए। एक ही चीज़ बार बार घिसा पीटा डायलॉग मार मार के नहीं पढ़ाना है, कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा, इसलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। और कर्क रेखा कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, पूछेगा कि सबसे बड़ी तट रेखा कौन से राज्य की है। अब क्या पूछेगा कि सबसे बड़ी तट रेखा कौन से राज्य की है, और दूसरी सबसे बड़ी तट रेखा किन राज्यों में पाई जाती है। इस तरीके का स्टेटमेंट बना के पूछ लेगा, पूछेगा कि सबसे बड़ी तट रेखा किस राज्य की है, तो आप क्या बोलेंगे? सबसे बड़ी तट रेखा किसकी है? गुजरात की है। देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इतनी लंबी है। और दूसरी सबसे बड़ी तट रेखा पूछे तो किसकी है? आंध्र प्रदेश की, एपी, आंध्र प्रदेश की है। अब देखिए यहाँ पे कच्छ का रण है और यहाँ पे खंबात की खाड़ी है। कच्छ का रण और खंबात की खाड़ी, इन दोनों के बीच में ही क्या पाया जाता है? एक क्या पाया जाता है? प्रवाल भित्ति पाई जाती है। प्रवाल भित्ति जानते हैं? ये देखिए लक्षद्वीप जो है, ये भौतिक विभाजन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और इधर क्या है? लक्षद्वीप है। और इधर आप देख रहे हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इधर क्या है? लक्षद्वीप है। और इधर आप देख रहे हैं हिंद बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है। इधर क्या है? अरब सागर है। और इधर क्या है? हिंद महासागर है। ठीक, हिंद महासागर है। और इधर देखिए टोटल भारत में अगर पूछे, वर्तमान में देखिए 8 राज्यों के गवर्नर चेंज हुए हैं अभी 2 दिन पहले, तो आप लोग उसको अपडेट कर लीजिएगा। गवर्नर से बेकार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक, 8 राज्यों के गवर्नर चेंज हुए, इसलिए बहुत बड़ी बात है। तो टोटल 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। क्या है? यूनियन टेरिटरी हैं। इसको भी डीपली आप याद करते हुए चलिएगा, हो सकता है छोटे मोटे क्वेश्चन कहीं से पूछ लें। तो सबसे बड़ी तटरेखा किसकी है? गुजरात की है। और दूसरी सबसे बड़ी तटरेखा किसकी है? तो आंध्र प्रदेश की है। अब गुजरात में अगर पहुँचेगा तो गुजरात में कई चीज़ें हैं पता करने के लिए, जैसे कि आपसे पूछ लेगा कि गुजरात में गवर्नर कौन है, गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है। अगर ये सब नहीं पूछना होगा तो नेशनल पार्क में जाएगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पर जाएगा, वहाँ पर पोर्ट पर जाएगा। तो यहाँ पर एक पोर्ट था, ठीक, कांडला बंदरगाह। क्या नाम था उसका? कांडला बंदरगाह। क्या नाम था उसका? कांडला बंदरगाह। अब उसका नाम बदल के क्या रख दिया गया? पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। इसलिए चर्चा में है, इसलिए पूछ सकता है। अब इसी में आप देखिए गुजरात में अहमदाबाद स्टेडियम है, उसका नाम क्या था पहले? उसका नाम पहले था सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम। उसका नाम बदल के ये लोग क्या रख दिया मालूम है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। यहाँ हाल फिलहाल की घटना है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए, अब भारत का भौतिक विभाजन मैं आपको बता रहा हूँ, तो उत्तर में आपको क्या मिल जाएगा? उत्तर में विशाल हिमालय मिल जाएगा। मिडल में क्या मिल जाएगा? मिडल में आपको मैदानी भाग मिल जाएगा। ठीक, दक्षिण में आपको क्या मिल जाएगा? पठारी भाग मिल जाएगा।
यहाँ पे तटीय मैदान मिल जाएगा, ठीक, तटीय मैदान मिल जाएगा। पश्चिम में आपको मरुस्थल मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, पश्चिम में मरुस्थल मिल जाएगा। तो कई सारी विविधताएं आपको देखने को मिल जाएंगी। इसको थोड़ा साफ करते हैं ताकि आपको लिखते भी रहें। अब देखिए पूछेगा कि भारत के उत्तर में क्या है, तो महान हिमालय है, महान हिमालय उत्तर में, उत्तर में महान हिमालय। पूछेगा दक्षिण में क्या है, दक्षिण, दक्षिण में क्या है, तो दक्षिण में दो चीजें मिल जाएंगे आपको, क्या मिल जाएगा, तटीय मैदान भी मिल जाएंगे, ठीक, देखिए तटीय मैदान भी मिल जाएंगे, तटीय मैदान प्लस क्या मिल जाएगा आपको, पठारी भाग भी थोड़ा बहुत मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, पठारी भाग, पठारी भाग। पश्चिम में जाएंगे, पश्चिम में जाएंगे तो मरुस्थली प्रदेश मिल जाएगा, मरुस्थल प्रदेश, मरुस्थल प्रदेश मिल जाएगा। मध्य में जाएंगे, मध्य में आ जाएंगे तो गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान मिल जाएगा। देखेंगे बिहार जो है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, इधर वाला इलाका, पश्चिम बंगाल, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, गंगा, गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान, मैदानी भाग मिल जाएगा। अब देखिए इधर जाएंगे तो हम लोग के पास दो द्वीप समूह भी हैं, क्या मिल जाएंगे, हमारे समुद्र में अरब सागर में आप जाएंगे, अरब सागर, अरब सागर, अरब सागर में आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, द्वीप समूह, द्वीप समूह, ठीक। बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में भी द्वीप समूह मिल जाएंगे, द्वीप समूह। लेकिन इन दोनों द्वीप समूह में खासियत क्या है, देखिए पहला जो है ये काराकोरम का ही विस्तार है, किसका, हिमालय का विस्तार है, जो क्या नाम है, ये देख रहे हैं ना, ये जो यहाँ से जो जो हिमालय की जो श्रेणी है जमीन के अंदर धस गई है, क्या हुआ, पानी के अंदर एकदम धस गई है, ऊपर जाकर उभर गई है। तो पूछता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह किसका विस्तार है, तो हिमालय का ही विस्तार है। और इसमें क्या पूछेगा कि अरब सागर में जो द्वीप समूह पाया जाता है जिसको कि लक्षद्वीप बोलते हैं, वो किसका बना हुआ है, तो प्रबाल भित्तियों का बना हुआ है, मूंगा चट्टानों से, किससे बना हुआ है, मूंगा, मूंगा चट्टानों से, चट्टानों, मूंगा चट्टानों से बना हुआ है, क्या बना है, मूंगा, मतलब एक प्रवाल, एक जीव होता है, वो जीव होता है, मरने के बाद क्या हो जाता है, वो ठोस आकार में परिवर्तित हो जाता है, वो क्या हो जाता है, ठोस आकार में परिवर्तित हो जाए, इसलिए वो क्या बोलते हैं कि मूंगा चट्टानों से बना हुआ है। अब पूछ लेगा कि भारत में मूंगा चट्टाने प्रवाल भित्ति कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो क्या बोलेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं जो मन्नार की खाड़ी है, ये जो श्रीलंका हमारा जो देख रहे हैं पड़ोसी देश है जल संदिश, यहाँ पे मन्नार की खाड़ी है, यहाँ पे पाए जाते हैं प्रवाल भित्ति, यहाँ पे पाए जाते हैं उड़ीसा वाले थोड़े मोटे इलाके में प्रवाल भित्ति पाए जाते हैं, यहाँ पे पाए जाते हैं क्या खम्बात की खाड़ी वाले इलाके में, खम्बात की खाड़ी वाले इलाके में पाए जाते हैं, ये तीन चार जगह पाए जाते हैं, ये तीन तीन चार जगह पाए जाते हैं, कहाँ पे, यहाँ पे देख रहे हैं गुजरात का खम्बात का खाड़ी, और यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे जो ये लक्षद्वीप द्वीप समूह है, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप द्वीप समूह यहाँ पे, और यहाँ पे उड़ीसा वाले तट में। पूछ लेता है मैग्रो वन कहाँ पाए जाते हैं, बेसिकली बार बार आजकल चर्चा में है कि मैग्रो वन कहाँ पाए जाते हैं, तो मैग्रो वन के बारे में याद रखिएगा कि मैग्रो वन कहाँ पाए जाते हैं, मैग्रो वन पाए जाते हैं पश्चिम बंगाल वाले इलाके में, बेसिकली ज़्यादातर वहीं पाए जाते हैं, लेकिन मैग्रो वन आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए, ये देखिए उड़ीसा वाला जो इलाका है, यहाँ पे भी थोड़े बहुत मैग्रो वन मिल जाएंगे, यहाँ पे जो पश्चिम बंगाल वाला जो इलाका है, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ जो पश्चिम बंगाल वाला जो इलाका है, यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाते हैं, क्या मिल जाते हैं, मैग्रो वन देखने को मिल जाते हैं। तो मैग्रो वन बेसिकली दो जगह पाए जाते हैं भारत में, और भी जगह है लेकिन थोड़ी कम मात्रा में। अब यहाँ पर पूछ लेता है कि कंपेयर करके पूछ लेता है कि ऑस्ट्रेलिया का जो प्रवाल भित्ति है, ठीक, ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ है, किससे बना हुआ है, तो वही मूंगा चट्टानों से बना हुआ है, क्या बना है, मूंगा चट्टानों से ही ऑस्ट्रेलिया का प्रवाल भित्ति, यानी कि जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो किसका बना हुआ है, मूंगा चट्टानों से बना हुआ है। इससे कंपेयर करके क्वेश्चन पिछले बार पूछा था, आप चाहे तो पेपर उठा कर देख सकते हैं, इससे कंपेयर करके इसमें क्वेश्चन पूछा था। अब देखिए इसमें आपको मैंने बताया था गुजरात के बारे में, गुजरात में एक बंदरगाह के बारे में, एक स्टेडियम के बारे में, इन दोनों के बारे में मैंने आपको बताया था, भारत के पांच भौतिक विभाजन के बारे में बताया था आपको, ये गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान के बारे में बताया था आपको, ये भी बता दिया था कि आठ राज्यों से हमारे जो है कर्क रेखाओं की गुजरती है, वो आठ राज्य आपको याद नहीं है तो इस तरीके से याद भी कर लीजिए, गरम छज्जे पर तीर मार,
बहुत बार मैंने आपको बताया है, आई होप आपको याद भी होगा। आप इसका कमेंट्स कर दिएगा, नहीं याद हो तो फिर भी मैं बता देता हूँ। ग से गुजरात हो जाएगा, र से राजस्थान हो जाएगा, म से मध्य प्रदेश हो जाएगा, छज्जे छ, छ से छत्तीसगढ़ हो जाएगा छत्तीसगढ़, झ से झारखंड हो जाएगा, प से पश्चिम बंगाल हो जाएगा, त्र से त्रिपुरा हो जाएगा और म से मिजोरम हो जाएगा। गरम छज्जे पर तीर मारे, एक और है अगर आपको वो अच्छा लगे तो, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, दोनों में से जो तरीका अच्छा लगे वो आप आजमा सकते हैं। ग से गुजरात, र से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, प से पश्चिम बंगाल, त से त्रिपुरा, म से मिजोरम। ये मानक समय रेखा भी मैंने आपको बताई थी कि मानक समय रेखा भारत के कितने 5 राज्यों से होकर गुजरती है। यहाँ से देखिए तो यूपी, एमपी क्या है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से मानक समय रेखा होकर गुजरती है। भारत की मानक समय रेखा कितनी डिग्री पे है, तो 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री ग्रीनविच लाइन, उसको क्या बोलते हैं, इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। 82.5 डिग्री क्या है, मानक समय रेखा, 82.5 डिग्री मानक समय रेखा भारत की मानी गई। जो वहाँ का भी टाइम होता है वही इधर भी टाइम होता है। पूर्वी तट, पश्चिमी तट के बारे में और उत्तर के बारे में, दक्षिण के बारे में आपको बताने वाला हूँ नहीं, क्योंकि इसके ऊपर वीडियो बड़े हुए हैं। अगर आपको याद करना है तो पूर्वी तट को किबुटू बोलते हैं, पश्चिमी तट को गोरमोता बोलते हैं और उत्तरी तट को क्या बोलते हैं, इंद्राकोल, और दक्षिणी तट को कन्याकुमारी बोलते हैं, याद रखिएगा ठीक। अब क्वेश्चन एक और बन सकता है कि भौतिक विभाजन के अनुसार कि भारत में एक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर है, तो उस ज्वालामुखी का नाम है क्या है, बैरंग द्वीप, वो भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक आइलैंड है, वहाँ पे आप जाएंगे तो बैरंग द्वीप एक क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी है। और एक हम लोग के पास निष्क्रिय ज्वालामुखी भी है जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं नारकोंडम, वो भी ज्वालामुखी है। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि भारत का जो दक्षिणी विस्तार है, ये दक्षिण का जो विस्तार देख रहे हैं, ये गोंडवानालैंड क्या कहते हैं, ऊपर वाले, जैसे मान लीजिए आप जब पृथ्वी बनी थी ठीक, तो दो चीजें थी, ऊपर वाला जो हिस्सा था उसको क्या बोलते थे, अंगारा लैंड, ऊपर वाला जो हिस्सा था उसको क्या बोलते थे, अंगारा लैंड, जब पृथ्वी हम लोग की बनी थी। तो उसके बाद चलिए आज इसको यहीं पे कंटिन्यू करते हैं।